हेलो एवरीवन, देखिए अब एग्जांपल 2.2 की हम बात करेंगे। देखो यहाँ पर क्या कहता है, टू चार्जेस 3 × 10⁻⁸ कूलम है और एक है −2 × 10⁻⁸ कूलम आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। मान लो ये एक पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर जो चार्ज है हमारा, मान लो ये है Q1, ये कितना है 3 × 10⁻⁸, ठीक है। और एक चार्ज है ये Q2, जिसका है हमारे पास −2 × 10⁻⁸ कूलम, ठीक है। और इनका जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कहता है यहाँ पर, कहता है एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्ज, अब जैसे लाइन ज्वाइन करी हमने ये, इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। अब यहाँ पर जब हम लाइन ज्वाइनिंग कर रहे हैं ये वाली, ठीक है, ये जो लाइन है, ये लाइन यहाँ आगे एक्सटेंड भी हो सकती है, इधर भी एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ पर जो है पोटेंशियल होगा वो ज़ीरो होगा। टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी ज़ीरो, ठीक है। पोटेंशियल जो है इन्फिनिटी पे तो ज़ीरो होता ही है, ये हमें पता ही है कहानी, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो किसी इस पॉइंट पे, मान लो यहाँ पर मैंने कंसीडर कर लिया, यहाँ पर कहीं मान लो इधर कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर कहीं पोटेंशियल ज़ीरो होगा, वो एक्स अपने आप दे देगा कहाँ पर वैल्यू आएगी, ठीक है। इसकी तरफ भी आ सकती है, इसकी तरफ भी आ सकती है। मान लो ये जो पॉइंट है हमारा, ठीक है, वो मैंने यहाँ पर मान लिया, ये पॉइंट पी मान लिया, जहाँ पर पोटेंशियल क्या है, ज़ीरो है, मान लिया ऐसे ही, ठीक है। तो इसको मैंने कंसीडर ऐसे किया कि मान लो ये जो दूरी है इस पॉइंट पी की इससे, वो है एक्स, ठीक है। तो ये वाली कितनी दूरी बची होगी इस वाली की, ये बची होगी 15 माइनस में एक्स, यही रहा होगा, बता दो कोई दिक्कत हो इसमें तो, क्लियर है। अभी सेंटीमीटर की बात हो रही है, सेंटीमीटर में ही रख रहे हैं हम इसको, बाद में इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ ना ही भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब यहाँ पर जो नेट पोटेंशियल है वो वी पी पर निकालना है हमें, है ना, ऐसे समझो। अभी मैं ये इसके बीच में कंसीडर कर रहा हूँ, फिर केस यहाँ लूँगा, यहाँ की बता दूंगा कि यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे हम, इधर ही कंसीडर क्यों कर रहे हैं, ठीक है। देखो वी पी हम निकाल रहे हैं, ठीक है, इस पर। तो नेट पोटेंशियल क्या होगा इसका, वी वन प्लस वी टू, ये हमें पता है स्केलर क्वांटिटी होती है, नेट पोटेंशियल ऐड ही होता है हमेशा, ठीक है, चाहे इसकी वजह से इसके लिए पोटेंशियल, इसकी वजह से इस पर पोटेंशियल, क्लियर है। और पोटेंशियल यहाँ पर कैसे हम सोचते हैं बताओ, ज़रा बताओ कैसे होता है फॉर्मूला, किसी भी पॉइंट पे जब हम पोटेंशियल निकालते हैं, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, इस पी पर इस क्यू वन की वजह से के क्यू वन आर प्लस में यहाँ बनेगा के ये वाला क्यू टू, और ये मान लो ये जो है मैंने आर वन ले लिया, ये वाला आर वन ले लिया, और ये वाला मैंने आर टू ले लिया, ये वाला मैंने आर टू कंसिडर कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ से अगर हम देखें, के तो हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है, के तो कॉमन हो गया, क्या बचा यहाँ, क्यू वन अपॉन में आर वन प्लस में या इसे कॉमन मत लो अभी, ठीक है, कॉमन नहीं लेते इसको, क्यों नहीं लेते, देखो हमें पोटेंशियल क्या करना है, ज़ीरो करना है, यही हमें मेन है। तो हम ये वी पी क्या चाहते हैं, जीरो चाहते हैं, ठीक है, तो ये जीरो हो गया, जो अकॉर्डिंग टू हमारा क्वेश्चन है उसमें यही तो कह रहा है ना, किसी पॉइंट पे जीरो कहाँ होगा यहाँ पर, तो मैंने कहा इस पॉइंट पे जीरो होगा, मैंने इसे जीरो कंसीडर कर लिया। तो यहाँ से देखो क्या बनेगी कहानी हमारे पास, ये के क्यू वन, मैं मान लो ऐसे लिखता हूँ के क्यू वन अपॉन में आर वन, और ये वाली टर्म इधर आएगी जब, तो ये क्या बनेगी हमारे पास, माइनस का के क्यू टू ओवर में आर टू, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें पता चार्जेस की वैल्यू पोटेंशियल्स में क्या करते हैं, साइन के साथ रखते हैं। तो देखो ज़रा यहाँ पर ये वाला के से तो ये के कट जाएगा, ठीक है, सिंपल यहाँ क्या बचेगा, ये माइनस क्यू टू की वैल्यू देखो क्या है हमारे पास, माइनस का 2 × 10⁻⁸, और आर टू क्या है हमारे पास, ये है 15 माइनस में एक्स सेंटीमीटर ले लो, ठीक है ना, और उसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो अपॉन में 100 लगाएंगे, तो यहाँ मैं 100 लगाऊंगा, तो वो मतलब कितना हो जाएगा हमारा 10⁻⁴, यहाँ मैं लिख दूँ माइनस का 2, है ना, नीचे यानी कि 10⁻², वो यहाँ लेके गया 10⁻², कोई दिक्कत नहीं है, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। सेम यहाँ करो, ये क्यू वन कितना है हमारे पास, ये है 3 × 10⁻⁸, एंड आर वन यहाँ पर कितना है हमारा एक्स सेंटीमीटर, इसको भी हम मीटर में कर लेते हैं, तो 10⁻², से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने क्या कहा था आपको कि इसे चेंज करो या ना चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं है सेंटीमीटर को मीटर में, क्यों, क्योंकि इक्वल टू में है ना, तो ये चीज़ तो यहाँ कट हो ही जानी है, तो करते नहीं ना करते कोई दिक्कत नहीं, हमारा आंसर सही आ जाता, ये बात सही है या नहीं है बता दो ज़रा, ठीक है। अब यहाँ जो एक्स की वैल्यू आएगी वो हमारे पास जो भी आएगी वो किस में होगी, सेंटीमीटर में होगी, बिकॉज यहाँ एक्स किस में था, सेंटीमीटर में था, क्लियर है, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जरा, अब हमारे पास ये आ गया ना, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो ये आ गया 2 × 10⁻⁸, और ये 15 माइनस में एक्स, और यहाँ है 3 × 10⁻⁸, और यहाँ पर है एक्स। देखो 10⁻⁸ से 10⁻⁸, ये एक्स इधर जाएगा तो 2x, और ये 15 माइनस एक्स यहाँ जाएगा तो 3 ऑलरेडी है, तो ये 2x इक्वल टू में दिखाई दे रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 15 × 3 = 45 माइनस में 3x, तो ये 3x इधर लेके जाओ, 2x प्लस में
3x हो जाएगा, और ये 45 कितना आ गया, ये 5x, और ये 45, और x कितना आ जाएगा, मतलब 45 बाई 5 कितना आ गया, 9। तो x विल बी 9 सेंटीमीटर, यानी कि जो ये P पॉइंट है यहाँ से कितना है 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। Q1 से कितना हो गया 9, तो यहाँ Q2 से कितना हो गया, 15 माइनस 9 कितना हुआ बताओ जल्दी से, 6। ये बात क्लियर है या नहीं है बता दो। तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, ठीक है, कि x कितना है हमारा 9 सेंटीमीटर आया है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो ज़ीरो है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, समझ रहे हो, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज से कितना दूरी पे है पॉइंट, वो 9 सेंटीमीटर की दूरी है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ज़ीरो एट 9 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, क्लियर है, ठीक है। अब इस चीज़ को भी समझो कि इधर ज़्यादा आया, ये 9 आया, ये 6 आया है, ऐसा ही क्यों हुआ, क्योंकि देखो जो पोटेंशियल है हमारा वो ऑब्वियस ही बात है इस पॉइंट पे इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी बराबर आना चाहिए। तो वो बराबर कैसे आ सकता है, चार्जेस तो यहाँ छोटा चार्ज है यहाँ बड़ा चार्ज है, अगर हम देखें तो ये मैग्नीट्यूड में ये 2 है और ये 3 है ना। तो हम अगर यहाँ पर देखें तो इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए कहीं पर, अगर मैं इसकी दूरी सेम मान लूँ तो इसकी वजह से ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी वजह से कम होना चाहिए, तो यहाँ पोटेंशियल जीरो हो ही नहीं सकता कभी भी, है ना, और जीरो तो आ ही जाएगा क्योंकि माइनस चार्ज है ना, समझ लो। लेकिन अगर यहाँ पर इसकी वजह से और इसकी वजह से मैं देखूँ सिर्फ चार्ज की वजह से, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, तो उसकी वजह से इसकी वजह से पोटेंशियल ज़्यादा आएगा, इसकी वजह से कम आएगा, और दोनों के साथ पोटेंशियल तो माइनस होंगे, लेकिन माइनस होके कुछ वैल्यू आएगी क्योंकि यहाँ कम है पोटेंशियल और इसकी वजह से ये ज़्यादा पोटेंशियल आया इस पी पॉइंट पे, लेकिन हमें तो जीरो चाहिए। तो वो जीरो कैसे आया यहाँ पर, कि ये दूरी ज़्यादा कर दी, इसकी वजह से पोटेंशियल ज़्यादा था ना, तो पोटेंशियल कम करना पड़ेगा, तो क्या किया यहाँ दूरी बढ़ा दी, समझ रहे हो, कंपनसेट कर दिया, और यहाँ इसकी वजह से पोटेंशियल कम था, समझ रहे हो, अगर चार्ज की वजह से देखें हम तो पोटेंशियल कम था, तो यहाँ दूरी कम कर दी, समझ रहे, दूरी कम कर दी तो पोटेंशियल बढ़ेगा, दूरी अगर हमने यहाँ इन्वर्सली पोजीशन है ना आर के, तो दूरी अगर हमने क्या कर दी, कम कर दी, तो पोटेंशियल बढ़ेगा, तो यहाँ बढ़ गया जो कम था पहले इस चार्ज की वजह से। अगर चार्जेस की वजह से देखो तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो क्या है, कम है, और यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है, मतलब इसकी वजह से जो है पोटेंशियल कम है इस पी पॉइंट पे, और इसकी वजह से पोटेंशियल क्या है यहाँ ज़्यादा है पी पॉइंट पे, मतलब मेरा ये है कहने का। लेकिन इस आर की वजह से क्या किया, आर की वजह से ये आर यहाँ कम हो गया ना, कम की वजह से पोटेंशियल बढ़ गया, ठीक है, इसकी वजह से पोटेंशियल बढ़ गया, और यहाँ ज़्यादा था, और दूरी बढ़ा दी, दूरी अगर बढ़ा दी, समझ रहे हो, क्या किया, दूरी को बढ़ा दिया, तो पोटेंशियल घट गया, तो पोटेंशियल क्या हुआ, घट गया, तो बढ़ा हुआ घट गया और घटा हुआ मतलब क्या हुआ, बढ़ा हुआ तो घट गया और घटा हुआ बढ़ गया, समझ रहे हो ना इस बात को। तो ये क्या कहानी हुई है, पोटेंशियल सेम किया इस पॉइंट पे इन दोनों की वजह से, तभी तो जीरो बना होगा ना यहाँ पर, तो वो किसने किया कंपनसेट, वो दूरी ने किया, तो दूरी इधर की ज़्यादा होगी ऑटोमेटिकली इधर की कम होगी, तभी मैंने चार्ज इधर रख दिया था, और मैं ऑटोमेटिकली इसको बिना देखे ही मैं बता सकता था कि यहाँ चार्ज कम है ना, अगर तो इसकी तरफ पॉइंट शिफ्ट करो कम वाले चार्ज की तरफ, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल कम बनेगा और यहाँ की वजह से ज़्यादा बनेगा, समझ रहे हो, तो यहाँ की वजह से अगर ज़्यादा बन रहा है तो उसे हमें कम करना है, तो इसकी दूरी बढ़ा दो थोड़ी सी, उसकी वजह से कम हो जाएगा, और यहाँ पर कम हो रहा था तो इसकी दूरी क्या कर दी हमने, कम कर दी, कम की वजह से पोटेंशियल बढ़ जाएगा, समझ रहे हो, ऑल ओवर क्या होगा, वो बराबर आएगा, तभी तो इस पॉइंट पे जीरो होगा, समझ रहे हो इतनी बात, ठीक है। अब यही कहानी ना आपको इधर साइडों में भी सोचनी है, समझ रहे हो, वो कैसे सोचनी है, देखो अगर आप इस इधर सोचोगे तो इधर क्या होने वाला है, देखो कहानी को समझो, इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा इस पी पॉइंट पे यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा होगा, समझ रहे हो, इसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है हमारा चार्ज बड़ा है, अगर मैं चार्जेस की बात करूँ, चार्ज की वजह से बड़ा चार्ज और इसकी वजह से ये छोटा चार्ज। अब खुद सोचो, ना चाहते हुए भी मैं इससे इसकी दूरी कम तो नहीं कर सकता ना, कैसे करूँ इस पॉइंट की दूरी कम, वो तो और ज़्यादा हो गई, यहाँ वाले की दूरी क्या करनी चाहिए थी मेरे को, ज़्यादा, और इस वाले की वजह से दूरी कम, क्योंकि इसके चार्जेस की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, पोटेंशियल कम हो रहा है, और इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल ज़्यादा हो रहा है, तो वो कंपनसेट कैसे होगा, अगर इस चार्ज की वजह से दूरी को क्या करूँ, बढ़ा दूँ एज कम्पेयर टू दिस, बट ये यहाँ पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसकी दूरी यहाँ हमेशा ज़्यादा ही रहेगी, जो कि मैं कम करना चाहता हूँ इस वाली से, क्या पॉसिबल है इतनी दूरी इससे कैसे कम हो जाएगी, हो ही नहीं सकती इधर, तो ये पॉसिबल ही नहीं हो रही बात, बताओ अगर समझ में आ रही है तो, बात इतनी बात तो समझ गए ना कि चार्ज की वजह से पोटेंशियल ज़्यादा है, इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल कम है, तो वो कंपनसेट कैसे हो सकता है कि यहाँ जीरो, क्योंकि बराबर चाहिए ना मुझे तो एट लास्ट, तो वो बराबर कैसे हो सकता है, ये बढ़ा हुआ घटे, घट कैसे सकता है जब इसकी दूरी बढ़ा दूँ, अब दूरी कैसे बढ़ा दूँ, इसकी जितनी मर्जी दूरी बढ़ा दूँ इससे वो दूरी और ज़्यादा होती रहेगी, और जितनी दूरी इसकी रखूँगा उससे इसकी दूरी कम होनी चाहिए ना, तभी तो ये वाला पोटेंशियल बढ़ेगा एज कम्पेयर टू दिस, आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही समझ में, दूरी की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, और कुछ नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ इसकी वजह से पोटेंशियल यहाँ बढ़ रहा है और इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल घट रहा है, तो ये घटा हुआ बढ़ाना है, बढ़ा कैसे सकता हूँ मैं पोटेंशियल को बताओ, अगर मैं डिस्टेंस को क्या कर दूँ, कम कर दूँ, तभी पोटेंशियल बढ़ सकता है,
तो पता है यहाँ पर डिस्टेंस कम कैसे करूँ मैं, बताओ ज़रा कम कैसे कर सकता हूँ। कम करूँगा तो ये तो इधर आ जाएगा, इधर ही रखना, अगर इस साइड ही रखना है तो ये हमेशा ज़्यादा ही रहेगा, कम नहीं हो सकता डिस्टेंस एज़ कम्पेयर टू दिस। और इसका मैं बढ़ाना चाहता हूँ, तो इसका अगर मैं बढ़ा भी दूंगा तो ये वाला तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसको तो मेरे को कम रखना पड़ेगा ना, क्योंकि इसका पोटेंशियल ऑलरेडी कम है, तो इसका मैं डिस्टेंस कम करूँ तभी तो पोटेंशियल बढ़ेगा और इसके बराबर आएगा। चलो जी बस समझा दिया मैंने, ठीक है रिपीट करके सुन लेना। अब आ जाओ इधर, मान लो ये पॉइंट है इधर पी, ठीक है सेकंड पॉइंट यहाँ बना लिया मैंने, यहाँ कहानी बन जाएगी। क्यों बन जाएगी देखो ज़रा, इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, अगर चार्ज की वजह से देखूँ मैं तो बढ़ेगा, ठीक है सही बात है बढ़ रहा होगा, और इसकी वजह से कम हो रहा होगा। लेकिन ये बढ़ा हुआ पोटेंशियल कम किसने कर दिया, दूरी ने, और इसकी वजह से जो पोटेंशियल घटा हुआ था वो थोड़ा कंपनसेट ज़्यादा किसने कर दिया, इस कम वाली दूरी ने, कम दूरी है तो पोटेंशियल बढ़ गया। दोबारा से समझ लो, इसकी वजह से ऐसे समझो, अब दोबारा से ये मैं कट कर रहा हूँ देखो, यहाँ पर इसकी वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो क्या हुआ है, चार्ज की अगर मैं देख रहा हूँ सिर्फ तो वो घट रहा है, और इसकी वजह से चार्ज की वजह से अगर हम देखें तो वो पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है यहाँ, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू है। लेकिन ये बड़ा घटा हुआ हमें कंपनसेट करना पड़ेगा, ये जो कम पोटेंशियल है इसको ज़्यादा करना पड़ेगा। ज़्यादा मैं कैसे कर सकता हूँ पोटेंशियल को, पोटेंशियल को मैं ज़्यादा कैसे कर सकता हूँ, अगर ये आर है हमारा तो पोटेंशियल अगर मेरे को ज़्यादा करना है तो आर कम करना पड़ेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में, तो ये यहाँ कम कर दिया, और इसकी वजह से ये ज़्यादा है, जो इसकी वजह से है वो क्या है, पोटेंशियल हमारा ज़्यादा है, ठीक है। इसको क्या करना है, मुझे कम करना है, तो पोटेंशियल को अगर मुझे कम करना है तो इस वाले आर को मुझे क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तो ये बढ़ गया, तो यहाँ ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो इस पॉइंट पे भी इधर भी पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, तो हम कैसे कंसीडर करेंगे देखो ज़रा, इस केस में हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं। देखो ये ऑलरेडी 15 है पूरा का पूरा, ठीक है, तो इसमें क्या करूँ मैं, इस Q1 से जो दूरी है P पॉइंट की, ये x मान लूँ, और ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, बताओ x माइनस में 15, x माइनस 15 होगी, 15 माइनस x नहीं, x बड़ा है ना, 15 छोटा है, तो x में से 15। यहाँ पर भी यही कहानी होगी, देखो यही सेम चीज़ लगनी है, ठीक है, इस पॉइंट पे भी कि V1 प्लस V2 और यही सब लगेगा, ठीक है। अब इस केस में क्या कर दिया हमने, यहाँ पर देखो ज़रा, ये वाला R2 बन गया हमारा और ये वाला R1 बन गया। यहीं पर आ जाओ देखो, इसके बाद यहाँ पर ये स्टेप ले रहा हूँ मैं, यहाँ देखो अगर इस पॉइंट पे हम बात करें, मैं दोबारा समझा दूँ, V1 प्लस V2 होगा, V1 की वैल्यू KQ1 बाय R1 और यहाँ पर KQ2 बाय R2 होगा, ये इधर जाएगा तो माइनस KQ2 बाय R2, ठीक है R2 होगा, ये क्यों होगा, क्योंकि VP हमें जीरो चाहिए, तो ये इधर जाएगा माइनस में और ये KQ1 बाय R1 यही रहा, K कट जाएगा, ठीक है सिंपल ये बचा माइनस। अब Q2 की वैल्यू आप सभी को पता कितनी है, वो माइनस का 2 × 10⁻⁸, और R2 यहाँ पर कितना है हमारा, ये वाला R2 कितना है हमारा, x माइनस में 15, वो आप चेंज करो या ना करो वो कट ही जाना है इक्वल टू में, है ना सेंटीमीटर को मीटर में, तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। और जो Q1 है वो कितना है हमारा, 3 × 10⁻⁸, और जो हमारा R1 है यहाँ कितना है, वो x है, ठीक है ये वाला, इसको भी चेंज करना है करो, नहीं तो नहीं चाहिए, दोनों साइड चेंज होंगे तो वैसे वो कट ही जाएंगे, तो कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये आया समझ में, तो ये माइनस माइनस हमारा क्या हो गया, प्लस हो गया, तो यहाँ से 10⁻⁸ इससे कट गया, ये कितना आया इधर जाके 2x, और ये इधर जाके कितना बनेगा हमारा 3x माइनस में 15, 3 × 45 बना, क्या इतनी बात क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 3x है ना, इधर जाके ये 2x आ गया और ये इधर जाके 45 प्लस का बन गया, तो ये x बचा और ये 45, तो यहाँ कितना आ गया हमारा 45 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ पर देखो दो आए हैं हमारे पास पॉइंट, कि x की दूरी इस पॉजिटिव चार्ज से है तो 9 सेंटीमीटर हो सकती है, वहाँ पोटेंशियल जीरो होगा, या इस पॉइंट से कितनी दूरी पे हो, 45 सेंटीमीटर की दूरी पे हो, ठीक है, तब हमारा जो है पोटेंशियल जीरो हो सकता है। तो इसको आप अगर बुक में देखोगे ना, तो वहाँ पर लिखा हुआ है, इस तरीके से मैं बोल देता हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो एट 9 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज ऑन द साइड ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाते हुए, ऑन द साइड नेगेटिव चार्ज क्यों, क्योंकि इससे दूरी तो इधर भी हो सकती है 9 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर, तो नेगेटिव चार्ज की तरफ जाते हुए 9 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर की जो दूरी है वहाँ पर जो है आपको पोटेंशियल जीरो मिलेगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ठीक है क्लियर है इतनी बात, ओके है ना सब, ठीक है जी। तो ये आपको करना है इस तरीके से, बताओ कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है कर लोगे, ठीक है। तो इसे दोबारा से देखना, बहुत ही ईजी है क्वेश्चन, क्लियर, ओके जी, थैंक यू।